हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप एक कैशएप को, अगर आपको कोई कैशएप बैकअप फाइल दे तो आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आपके पीसी के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने हमारे पिछले वाला वीडियो में देखा होगा कि हमने एक एलडी प्लेयर के थ्रू हमने ओपन किया था एक कैशएप। तो बहुत सारे लोग जानते ही है कि किस तरह से आपको एलडी प्लेयर में लॉगिन करना पड़ेगा, पर अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी हो रही है इसको ओपन करने में, तो इसका सॉल्यूशन आज हम आप लोगों को दे देंगे। पर पहले उसके बाद आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस में जो बेल आइकन है उसको बजिए, क्योंकि नित्य नूतन जो वीडियो आने वाला है वो आप लोगों को पहले लोगों के पास पहुँचाने के लिए हम लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरत है। और आज हम बैकअप फाइल से कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं उसका मेथड देखेंगे। ठीक है, तो फिर पहले हम जो करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब शुरू में जो होगा वो यह है कि पहले हम लोगों को एक एलडी प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपली ब्राउजर में जाके लिखना पड़ेगा एलडी प्लेयर। लिखने से यह से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, फिर पहली वाली जो वेबसाइट है उसमें हम जाएंगे, फिर यह से डाउनलोड एलडी प्लेयर है। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो हमारा इंस्टॉल है ऑलरेडी। हम यह से एलडी प्लेयर को बस ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यह से एक न्यू टैब माने यह से एक एड इंस्टेंस लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं, फिर यह से न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर जाओ जो है वो सब कुछ रखेंगे। फिर यहाँ पर सेटिंग का आइकन है, यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो थ्री डॉट है यहाँ पर, फिर यहाँ से बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। फिर हमको रिस्टोर पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हम रिस्टोर पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से हम डाउनलोड में जाके हमारा जो फाइल है उसको हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो नहीं है, हमारा फाइल प्रोग्राम के अंदर भी नहीं है, टेलीग्राम के अंदर है, तो हम इसको ओपन कर देंगे ऐसे। फिर यहाँ पर एक रिस्टोर हो रहा है। ठीक है, हमको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं। और आपको एक बात बताना चाहते हैं कि इसके बाद जो वीडियो आ रहा है ये हमारा वो वीडियो है, हम क्या किस तरह से VPN से कैशअप को लॉग इन कर सकते हैं उसका एक वीडियो ले आएंगे। फिर हमारे पास गो टू बैंक का वीडियो आएगा, बहुत सारे अकाउंट का वीडियो आएगा, आप लोग हमारे साथ ही रहिए। ठीक, अब आ गया है, अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया है, अब थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से एक कैशअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कैशअप है वो ओपन हो रहा है, ये ऑलरेडी एक आदमी ने क्रिएट किया था, वहाँ पर लॉगिन हुआ था, तो बस वही फाइल वो मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, बस मैं इधर से उस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, तो हमारा एलडी प्लेयर में ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सब कुछ है, फिर आके एक कैशअप भी मिल गया मेरे को। यहाँ पर देखिए हमारा मैसेज भी आ गया है। तो आप, अगर आपके पास एक्सप्रेस VPN है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको पहले प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, जाने के बाद आपको इधर से एक VPN परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले VPN को परचेस करते हैं, फिर ओपन करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेस VPN है इसका मियाद ख़त्म हो चुका है, लगभग बहुत दिन से हम यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर कनेक्टिव अगर आ गया है तो ठीक है, पर नहीं, यहाँ पर इसका जो टाइम था वो ख़त्म हो गया है, इसलिए हमको दूसरा VPN इंस्टॉल करना होता है। हम VPN को इंस्टॉल करके फिर से वीडियो में बैक आते हैं। ठीक है, तब तक वीडियो को पुश कर लो। व्यूअर्स, तो गाइस आप देख रहे हैं कि हमारा VPN इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको ओपन करेंगे। फिर ओपन करने के बाद यहाँ से एक कंट्री सिलेक्ट करेंगे, तो हम शिकागो कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑप्टिमाइज हो रहा है आपको न्यू IP आने तक वेट करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज होने के बाद ही आप लोग इसको यूज़ करना, वरना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका IP नहीं आया तो आप अंदर मत घुसिए। ठीक है, फिर हम होम पे चले जाते, फिर कैशअप पे क्लिक करते हैं, फिर कैशअप को ओपन होगा, फिर यहाँ पर पिन डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर एक पिन डाल दिया। ठीक है, पिन डालने के बाद ये रहा हमारा कैशअप ओपन हो गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर डॉलर भी है कैशअप पे, और हमने यहाँ पर बहुत सारा ट्रांजेक्शन भी किया है। तो ऑलमोस्ट हमारा कैशअप लॉगिन हो गया बहुत इजीली, देखा तो बस नहीं मेल दिया ना पड़ा, कुछ नहीं देना पड़ा, मेल वगैरह कुछ भी नहीं लगा, बस हम यहाँ पर आए फिर घुसे फिर लॉगिन हो गया। तो ये बहुत इजी प्रोसेस था, ठीक है। तो ये बैकअप फाइल का इजी प्रोसेस रहता है। कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बैकअप फाइल दे दूंगा आप लॉगिन कर लो, पर बहुत सारे लोग जानते नहीं, उन लोगों के लिए बस ये वीडियो था, जो लोग जानते नहीं उन लोगों को बैकअप फाइल से कैशअप लॉगिन। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही था, शायद आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।